नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। धार जिले के बाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग रात्रि 9 बजे जोबर्ट झिरपानिया चेकिंग प्वाइंट पर ड्यूटी पर तैनात सहायक थानेदार मानसिंह सिंघार ने एक सफेद इंडिका MP09CJ4177 से आए उमेश पिता धान सिंह भील को धार की सीमा सील होने के कारण अपने घर जाने को कहा। इस पर उमेश ने थानेदार से विवाद किया और पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न कर थानेदार को थप्पड़ जड़ दिया। तत्पश्चात मानसिंह सिंघार ने इस घटना की सूचना थाना प्रभारी कमलेश सिंघार को दी। फिर बाग थाने के थानेदार जगदीश गणेश, थानेदार गुलाब सिंह भेड़िया फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे। उन पर भी आरोपी उमेश और उनके पिता धन सिंह ने पथराव कर फायरिंग की। घटना में पुलिस अधिकारी बाल बाल बचे, फिर भी एक पुलिसकर्मी ब्रिजवासी घायल हो गया। पुलिस ने सहायक थानेदार मानसिंह सिंघार के रिपोर्ट पर से उमेश भील और उसके पिता धन सिंह भील के खिलाफ पुलिस पर हत्या के प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि कल रात पुलिस पर हुए हमले के मामले में धन सिंह भील को हिरासत में लिया गया। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी उमेश बाग थाने का कुख्यात बदमाश है। इस पर 18 चोरी और लूट के मामले दर्ज है। विगत दिनों इंदौर बाल न्यायालय ने इसके सार साथी फरार हो गए थे। इस मामले में भी उमेश की भूमिका थी। वहीं देर रात कमलेश सिंघार ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी। आरोपी कार से फरार हो गए। उसके यहां से एक चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद हुआ। बाग से नरेश सेठिया की रिपोर्ट। अच्छा सर, फायरिंग की भी सुनी है। पुलिस गई तो फायर करके भाग गए। दो फायर करे उन्होंने पुलिस के ऊपर रात में, तो वहां से भाग गए मौके से। सर, इसमें कोई वाहन जब्त किया गया? वाहन वगैरह अभी फरार हो गए। वाहन जब्त हुआ, वहां से एक चोरी का ट्रैक्टर उसके पास था, वो ट्रैक्टर जरूर लाया है। वो वहां का खरगोन जिले का ट्रैक्टर है, चोरी का वो लाया है। अभी इसमें कायमी हो चुकी है। हाँ, धारा 302-353 IPC शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना और पुलिस पर हमला करना, ये कायमी करी है। आरोपियों के नाम? आरोपी का नाम है तो उमेश पिता धन सिंह और उसका पिता का नाम है धन सिंह, निवासी झिरपनिया। धन्यवाद। जबरन जाना चाह रहे थे गुजरात ही।